कि बेटा इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट नोड्स में ऐसा ही है आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो उन सब पे जाने से पहले मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे। ये शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है? इफ इनिशियल कैपेसिटेंस वॉज कैपिटल सी, देन फाइंड आउट न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। कि मैं यहाँ पर एक इतनी थिन कंडक्टिंग शीट में अगर बीच में रख दूँ, ठीक है, तो इस कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस? बताइए इस कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? पहले सी थी, आपने कंडक्टिंग एल्यूमिनियम शीट रख दी, थिन शीट, ठीक है। आप ले लीजिए कुछ डी वन डी टू डिस्टेंस पे रखिए, यहाँ से मान लो डी वन है, यहाँ से डी टू डिस्टेंस है, तो क्या आप इसकी कैपेसिटेंस बता पाएंगे क्या कि आप कैपेसिटेंस कितनी होगी इस? बताइए। थिन शीट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रखिए, एल्यूमिनियम फॉइल मतलब कंडक्टिंग मटेरियल, तो क्या इसकी कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आ जाएगा, या कैपेसिटेंस वही रहेगी, या फिर खत्म हो जाएगी, या फिर ट्वाइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो क्या फार्मूला है आपके, कोई फार्मूला पढ़ा क्या अभी आपने? पहले कुछ निकाला हो, बीच में कुछ रख देते हैं, कंडक्टिंग शीट या डाइलेक्ट्रिक शीट का पढ़ा था ना जो? हाँ, तो इसमें के इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ राधिका, सही बताया बेटा आपने, बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे इसको? के इन्फिनिटी रख दें बस, उसमें जो फार्मूले से देख सकते हैं, या तो फार्मूला है ना आपके पास, कितना है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी वाई के, तो टी अप्रोक्सीमेटली 0 है या आपका इन्फिनिटी है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो ही गई, ठीक है। और टी क्या है आपका, टी आपका क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 तो क्या बन जाएगा, सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। ये सी डैश कितना बन जाएगा आपका, सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस। बिल्कुल राधिका, सही समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तो तरीका ये है आपका कि आपने इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दिया, ठीक है ना। दूसरा मेथड ये है बेटा कि मैं इस कैप शीट को ऐसे भी रिप्लेस कर लूँ, एक्स डिस्टेंस पर है डी माइनस एक्स, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे सेपरेट करके लिख दूंगा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा इसको इस तरीके से। ये मैं प्लेट सेपरेशन बोलता हूँ, मैं आगे भी काफी इसको अलग से टॉपिक ही कराऊंगा इस पर, बट यहाँ पर भी एक बहुत ही क्लियरली चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका जो कंडक्टिंग प्लेट है, तो ठीक है ना, इसको आप हमेशा स्प्लिट कर सकते हैं बेटा इस तरीके से, क्योंकि इसमें इधर जो चार्ज होता है, बीच में फील्ड इसमें भी नहीं होता है, यहाँ भी कोई बीच में फील्ड नहीं है, दोनों इधर और इधर सरफेस पर ही फील्ड है, तो कोई चेंज नहीं आता अगर मैं इसको इक्विवेलेंट ऐसे रिप्लेस कर दूंगा। डिस्टेंस वही रखिए इनके बीच की एक्स और इसके बीच की डी माइनस एक्स, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन और टू कैपेसिटर्स कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता है, दोनों जगह लगा दीजिए, इधर कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से वही आ गई आपकी जो पहले थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है ना। फिर से आपकी कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गई। तो अगर थिक शीट होगी तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मान लो थिक कंडक्टर रख दी, फिर तो आपको पता है वो डी माइनस टी आ जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी में अगर थिकनेस इसकी रख दी। बट थिन शीट रखेंगे तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, वही है, ठीक है ना। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, या फिर ऐसे कर लें, अब ऐसे करेंगे तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, बट तोड़ेंगे तो ध्यान रखिए यहाँ की बीच की डिस्टेंस डी माइनस टी माइनस एक्स हो। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला भी यही आंसर देगा। तो बीच में थिन मेटल शीट रखने पर कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। थिक रखोगे तो बिल्कुल चेंज होगी, बट थिन शीट अगर रख रहे हैं आप बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस की, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन अनचेंज। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इस चीज का फायदा उठाएंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। पहले इसमें तो डाउट नहीं है, देख लो इस प्रॉब्लम में आया हुआ प्रॉब्लम है, थिन शीट रख दी, बताओ न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो अनचेंज रहेगी, ठीक
है, बट अब हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसको इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। स्फेरिकल में भी ऐसा एक रिजल्ट निकाल दूंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि हम डाइलेक्ट्रिक में इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बना देते हैं, क्योंकि वो थिन मेटल शीट से कैपेसिटेंस चेंज, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, कहीं फील्ड पैदा नहीं होता ना बेटा इससे, इस पर चार्ज कैसे आएगा? आपने बीच में अगर रखी, ये जो आपने रखी है तो क्या है इसमें, आपने इसमें माइनस प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू तो है, तो ये जो लेयर है अपने बाहर तो कहीं फील्ड ही पैदा नहीं करेगी, ठीक है ना? जब ये थिक होती है तो बीच में फील्ड जीरो हो जाता है, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ जाएगा। जब थिन शीट है तो केवल माइनस क्यू प्लस क्यू तो आ रहा है, ठीक है, और इधर इधर तो फील्ड पैदा कर ही नहीं रही है, क्योंकि माइनस प्लस की लेयर अपने बाहर तो फील्ड पैदा ही नहीं करती, तो इस वजह से इसको रखने पर थिन मेटल शीट को कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। थिक रख देते हैं तो वो डिस्टेंस में थोड़ा सा फील्ड जीरो कर देती है, इसलिए फर्क आ जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है? नहीं, लेयर तो माइनस क्यू प्लस क्यू की तो थिक में भी बनेगी, बट थिन में वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर रही और फील्ड तो पैदा कर ही नहीं रही, तो कहाँ से कैपेसिटेंस चेंज? क्लियर है आपको ये चीज़?